अभी हाल फिलहाल में मत्स्य यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी किया गया है। कई छात्रों के रिजल्ट के नीचे EFPT लिखा हुआ है और कुछ छात्रों के रिजल्ट के नीचे फेल लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको ध्यान से सुनना है। EFPT इसका ये मतलब है जो सब्जेक्ट आपका सेकेंड ईयर में बैक है वो आपको 2023 में दोबारा से देना है। साथ में आप थर्ड ईयर क्लास के लिए इजिबल हो गए हो। जैसे ही आपका थर्ड ईयर का फॉर्म भरा जाएगा, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम प्लस सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट आपका फेल हो गया है उसका पेपर आपको थर्ड ईयर के मेन एग्ज़ाम के साथ देना है। 2023 में जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे उसी में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों का फॉर्म एक साथ आपका अप्लाई हो जाएगा। जिन छात्रों की मार्कशीट के अंदर फेल लिखा आया है इसका ये मतलब है आपको कंप्लीट BA सेकेंड ईयर का 2023 में मेन एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। मेन एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपको BA सेकेंड ईयर के ही पेपर देने होंगे। जैसे ही आप BA सेकेंड ईयर के पेपर में पास होते हो 2023 में, उसके बाद आप थर्ड ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। जिनके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है वो अभी BA सेकेंड ईयर में ही अध्ययनरत माने जाएंगे। यदि ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।